अलीगढ़ में। अगर हैं आप किसी उत्पीड़न का शिकार तो हम करेंगे आपकी समस्या का निदान। अगर आपकी आसपास कोई घटना घटित हो रही तो आप लिख भेजिए, हम आपका करेंगे क्रांतिकारी चैनल की ओर से आपकी समस्या का निदान। नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। ये ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ SSP कार्यालय पर, जहां एक थाना चंटा उसकी एक महिला जो कि रेप पीड़ित अपने आप को बता रही थी और उन्होंने SSP कार्यालय पर आकर बताया कि उनका रेप हुआ। गांव के ही दो व्यक्तियों ने रेप किया, उसके बाद भी पुलिस अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि 4 तारीख को उसका किडनैप हुआ और 13 तारीख को FIR लिखी गई कुमसरी की, और दिल्ली में जाकर के धर्म परिवर्तन किया। उसका महिला का कहना था कि बार बार कप्तान ऑफिस पर आने के बाद भी पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, यानी बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। और महिला ने यह भी बताया कि वो अपनी नंद को खेत पर 4 तारीख को खाना देने गई थी, उसी समय उन्होंने किडनैप कर लिया दो गांव के युवकों। लेकिन महिला ये नहीं बता रही थी किडनैप कैसे किया, यानी कि गाड़ी में लेके गए किडनैप, कैसे किडनैप किया उसे कुछ नहीं बताया। उसे बहुत कुछ पूछने के बाद उन्होंने ये बताया कि कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला कोई पदार्थ दे दिया था और आंखें खुली तो दिल्ली में पाई। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो 13 तारीख को दिल्ली से यहाँ उसके हस्बैंड ने पैसे डाले तब वो वापस आई। यानी कि पूरा मामला संलिप्त प्रतीति होता है, इसीलिए पुलिस शायद कार्रवाई नहीं कर रही है। आइए जानकारी करते हैं महिला से क्या है पूरा मामला। यानी बार बार महिला धर्म परिवर्तन का भी बात कर रही थी, लेकिन धर्म परिवर्तन की जब उस महिला से पूछी तो किसी भी तरह कोई ऐसा मामला नहीं था। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। यहाँ कप्तान ऑफिस में कुछ लिए आई है, किस तरह की कंप्लेंट हुई थी आपकी? रेप के लिए। कहाँ के कहाँ हुआ था? गांव से। कौन सा गांव है? सुरेशपुर। थाना कौन सा पड़ता है? चंडोल। तो कैसे हुआ था, क्या मामला था? मैं 4 तारीख को मैं अपनी नंद को खाना देने गई थी। कहाँ पर? खेत पर। वहाँ से दो हमारे गांव के लड़कों ने मुझे किडनैप कर लिया और 13 तारीख तक अपने पास ही रखा, मारा पीटा, धर्म चेंज करने की कोशिश करी, धर्म परिवर्तन करवाया मेरा। धर्म परिवर्तन भी करा दिया? करवाया मैंने कराना। नहीं, कहाँ कराया आपका धर्म परिवर्तन? दिल्ली में। तो दिल्ली में आप दिल्ली चली गई? वो आप जो है किडनैप जब किया था तो किस चीज़ में लेके गए थे आपको? मुझे कुछ नहीं पता, नशीला कुछ पदार्थ नहीं खिलाया। नहीं, जिस समय आपको किडनैप कर रहे थे तो नशीला कैसे दिया था वो तो बताएं आप भाई। जब नशीला जब तक नहीं दिया होगा तब तक तो आपको सारी जानकारी होगी कि कौन लोग आया था। नशीला देने के बाद आपको जानकारी तो उस समय होगी कौन कौन लोग आए थे, क्या क्या थे? नाम पता है। तो किस में आए थे? सर इसका कुछ नहीं था, खाली सड़क। तो घर के अंदर कैसे आ गए वो? मैं खेत पर गई थी। खेत पर हुआ। तो आपने कोई उधम या कुछ मचाया नहीं? सर मैंने कुछ ना, मुझे इतना नाम पता कि मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगा। तो आप राजी से गई उनके साथ? वो मुझे कुछ नशीला पदार्थ पिला के। अच्छा, ये बताइए खेत पर ही आपने खेत पर ही कोल्ड ड्रिंक पिला दी आपको? हाँ। लेकर साथ लेकर, इसका मतलब आप पहले से जानती थी? हाँ, इसको जानती थी। तो फिर आपको जब होश आया तब कहाँ मिली आप? एक कमरे में। कहाँ? कमरे मुझे ना पता कहाँ थी कहाँ ना। अभी आप दिल्ली की बात कर रही हैं? जब वो मुझे छोड़ गया तो दिल्ली में थी ना, मैं छोड़ कर कमरे। उस समय आप दिल्ली में थी? हाँ। तो जब होश आया तो दिल्ली में थी, तो आपने पुलिस को सूचना दी या किसको सूचना दी, कैसे आई वहाँ से? मैं 13 तारीख को मैंने अपने हस्बैंड पर फोन किया, जब मैंने कॉल करी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू आ जा और मेरे अकाउंट में पैसे डाले। उन्होंने पैसे डाले, मैंने जाकर पैसे निकाले, फिर मैं आई। मैं उन लोगों से छूट कर कैसे आई आप? उन्हें पता लग गया कि उन्होंने कंप्लेंट कर दी मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, तो जब छोड़ गया। तो हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मजदूरी। कहाँ पर? अभी तो अभी पास में करते थे, अब थोड़ी सी दूर चले अपना काम। कहाँ पर? बम्बई। जिस समय आपका रैप हुआ था उस समय ये बम्बई रहते थे? हाँ, अभी एक महीने पहले ही आई। तो थाने कहाँ शिकायत कहाँ की? चंडो थाने। तो पुलिस गई मौके पर वहाँ या कोई पुलिस वाले नहीं? तो वहाँ दिल्ली से कैसे आई आप? मैं किराए से आई। कोई वीडियो है?
उन लोगों ने कोई जवाब नहीं बनाया फिर आपको नहीं, उन्हें कैसे कंप्लेंट होगी क्या एफ आई आर होगी? गाँव में